व्यूवर्स, आईटी ओशंस के साथ एमएस वर्ड के फर्स्ट इंट्रोडक्टिव लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को सिस्टम में लोड किस तरह किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें डिफरेंट टाइप्स के वर्जन प्रोवाइड करता है, जिनमें से हम वर्ड 2016 को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक लेटेस्ट वर्जन है अपने डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स के साथ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को लर्न करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो। इसको इंस्टॉल करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके इस पे क्लिक करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करके वर्क करें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि वर्ड 2016 को सिस्टम में लोड किस तरह किया जाए। इसको लोड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप सर्च बार पे क्लिक करें, वर्ड की कमांड टाइप करके ओके करें तो आप देखेंगे कि आपके सामने वर्ड 2016 का इंटरफेस लोड हो गया है। सेकेंड मेथड इसको लोड करने का ये कि आप अपनी सर्च की बार पे क्लिक करें, रन की कमांड टाइप करें और यहाँ सर्च की बार में विन वर्ड विदाउट एनी स्पेस टाइप करके ओके करें तो आप देखेंगे कि आपके सामने वर्ड 2016 का इंटरफेस लोड हो गया है। क्योंकि एमएस वर्ड को ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे मौजूद हो तो इसके लिए आप अपने सर्च की बार पे क्लिक करें, वर्ड की कमांड टाइप करें, उस पर राइट क्लिक करें और ओपन इन फाइल लोकेशन पे क्लिक कर दें, ओके करें तो आप देखेंगे कि आपके सामने वर्ड 2016 लिखा हुआ शो हो रहा है। इस पर राइट क्लिक करें, सेंड टू डेस्कटॉप पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि वर्ड 2016 का एक शॉर्टकट आपकी डेस्कटॉप पे शो हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी डेस्कटॉप पे शो ना हो तो इसको पिन टू टास्क बार कर दें और यहां से डिलीट कर दें तो वर्ड 2016 का शॉर्टकट आपकी टास्क बार में शो हो रहा है। आप इस पर डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे कि वर्ड 2016 का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ड 2016 के इंटरफेस के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।